तो हे दोस्तों, कैसे आप लोग, आपका स्वागत है प्रजापति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया के पांच ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा जो जानवर की तरह दिखते हैं। आपको इन्हें देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा कि लोग अलग अलग दिखने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं पूरा डिटेल से। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आप अपना एक प्यारा सा कमेंट करना इस वीडियो के बारे में। दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो को एक लाइक करेंगे, एक शेयर करेंगे तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे भी आपके लिए इसी तरह की नई नई वीडियो सर्च करके लाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 5, रिक जेनेस्ट। दोस्तों, 32 साल के इस व्यक्ति को जोम्बी बॉय के नाम से भी जाना जाता है। बचपन में रिक को ब्रेन कैंसर हो गया था, लेकिन सक्सेसफुल इलाज होने से यह बच गए। इसके बाद रिक अपने आप को बदलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने शरीर पर अजीबोगरीब टैटू बनवाना शुरू कर दिया, जिसके बाद वह लोगों से अलग दिखने में कामयाब हो गए। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रिक अपने शरीर पर ब्लैक कलर के टैटू बनवाना पसंद करते हैं। नंबर 4, मरमैन। दोस्तों, वैसे तो आपने जलपरी को कई बार देखा होगा, जिसका आधा शरीर इंसान और आधा शरीर मछली जैसा होता है। लेकिन क्या आपने मरमैन को देखा है? एरी टच में अपने आप को मरमैन दिखने के लिए जलपरी जैसे कपड़े पहन के लोगों के सामने चले जाते हैं। अब यह व्यक्ति प्लास्टिक सर्जरी करवा के अपने आप को बिल्कुल मरमैन जैसा बनाना चाहता है, ताकि लोग उसे सच में मरमैन जैसा समझ सके। नंबर 3, डेनिस अनवर। दोस्तों, डेनिस नहीं चाहते थे कि वह दूसरे इंसानों जैसा दिखे, इसलिए उन्होंने अपने शरीर के साथ छेड़छाड़ करके अपने आप को टाइगर जैसा बना दिया। पहले तो लोगों को यह दिखने में बहुत ही अजीब लगा, लेकिन कुछ समय बाद डेनिस बहुत ही ज्यादा फेमस हो गए। आज डेनिस को लोग टाइगर मैन के नाम से पुकारते हैं। डेनिस का कहना है कि जब वो इंसानों जैसा दिखते थे तब उनको कोई नहीं जानता था, लेकिन आज उनके जानवर वाले लुक के कारण पूरी दुनिया उनको जानती है। नंबर 2, रोड्रिगो ब्रागा। दोस्तों, ब्राजील का रहने वाला एक व्यक्ति डॉग जैसा दिखना चाहता था, इसलिए उसने मरे हुए डॉग के चेहरे को अपने फेस पे लगा लिया। ऐसा करने से पहले उस व्यक्ति ने वहां के लोकल अधिकारियों से इजाजत ले ली थी। इसके बाद उसने प्लास्टिक सर्जरी की मदद से ऐसा कर लिया। नंबर 1, हर्बर्ट चावेज। दोस्तों, यह व्यक्ति बचपन से सुपरमैन जैसा बनना चाहता था, लेकिन वह सुपरमैन जैसा तो नहीं बन सका, पर सुपरमैन के जैसा दिखने के लिए इस व्यक्ति ने 16 प्लास्टिक सर्जरी करवाई, ताकि वह अपने फेवरेट सुपर हीरो के जैसा दिख सके। अब तक इस व्यक्ति ने अपने सर्जरी पर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर दिया। तो दोस्तों, यह थे वो 5 इंसान जो जानवर की तरह दिखना चाहते थे। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए, इन 5ों में से आपको किसका लुक अच्छा लगा। 1, 2, 3, 4, 5 प्लीज कमेंट करके बताना। और हाँ यार, अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा भी कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आप अपना एक प्यारा सा कमेंट करना इस वीडियो के बारे में। दोस्तों, आपने मेरी वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।